हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करें। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपने नॉर्मल वाली रसमलाई तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन मैं आज आपको ब्रेड से बना रसमलाई रोल बनाना बताऊँगी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले रसमलाई के लिए हम रबड़ी तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में मैं 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क डालूंगी और इसे एक बॉयल आने देंगे। बीच बीच में चलाते रहें, वरना दूध नीचे से चिपक सकता है। अब डालेंगे 2 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। ध्यान रखें दोस्तों, आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पाउडर डालना है, वरना लम्स आ जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच पाउडर शुगर। मैंने घर पर ही चीनी को मिक्सी में पीस लिया था। दोस्तों, मिल्क पाउडर में ऑलरेडी मीठा होता है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी और भी डाल सकते हैं। इसमें कलर देने के लिए मैं यहाँ दूध में सोख किया हुआ केसर डालूंगी। आप केसर की जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब आपको इसे कंटिन्यूसली चलाना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखें। साइड में मलाई को चिपकने ना दें, इसे बीच बीच में निकालते रहें। करीब 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध आधा और गाढ़ा हो गया है। रबड़ी हमारी तैयार है। इसे ठंडा करके हम फ्रिज में रख देंगे ताकि बाद में रसमलाई ठंडा सर्व कर सकें। अब चलिए रोल के लिए मावा बना लेते हैं। एक पैन को गरम कर लें और 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे 2 कटोरी मिल्क पाउडर। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, वरना लम्स आ जाएंगे। मिल्क और मिल्क पाउडर का रेशियो 1:2 होगा। गैस का फ्लेम लो पर रखें और कंटिन्यूसली चलाते रहें। करीब 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मावा पैन से अलग हो गया है और डो की तरह हो गया है। गैस का नोब बंद कर दें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, मावा को ज़्यादा नहीं कुक करना है, वरना ये खाने में हार्ड हो जाएगा। मावा हमारा रेडी है। चलिए अब हम इसे ब्रेड में रोल कर लें। मैं यहाँ वाइट ब्रेड ले रही हूँ। इन सब के साइड्स हमें कट कर लेना है। अब इन ब्रेड को बेलन की मदद से हम बेल लेंगे और इसे पतला कर लेंगे। ब्रेड के साइड्स अच्छे से बेल लें। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड को बेल लिया है। मावा को ठंडा कर लें और एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक पोर्शन लेंगे और इसे रोल करते हुए एक लंबा शेप दे देंगे। अब इसे ब्रेड के ऊपर रखना है और ब्रेड को रोल करते जाएंगे। हम इसे थोड़ा प्रेस करते हुए रोल करेंगे ताकि मावा ब्रेड से निकले ना। मावा हमारा थोड़ा गीला है, इसलिए ये ब्रेड में चिपक जाएगा। आप चाहे तो आप पानी लगाकर ब्रेड को सील कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे ब्रेड में मावा को रोल कर लेंगे। ये देखिए, रोल्स हमारे रेडी हैं। सर्व करने के लिए हम इसे प्लेट में डालेंगे और ऊपर से फ्रिज में रखा हुआ रबड़ी डालेंगे। इस तरीके से ब्रेड रबड़ी को अच्छे से सोक करेगा, इसलिए रबड़ी को आप ज़्यादा डालें और ठंडा सर्व करें। इसे आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। क्यों ना आप इसे इस रक्षाबंधन में बनाएं अपने भाइयों के लिए और ढेर सारे गिफ्ट्स लें। इसे गार्निश करेंगे पिस्ता से और चिल्ड ब्रेड रसमलाई इंजॉय करें।